नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फोर्थ आई न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पर। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ जो नाकामियां हैं उनकी बात करने वाले हैं, क्योंकि जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं, विज्ञापन बड़े बड़े अखबारों में जाते हैं, एक टीम पूरी है उनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए जो सरकार है उसके पास, लेकिन हम यहाँ पर जो नाकामी है वो कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार कुछ मोर्चों पर पिछड़ भी रही है। किसानों को लेकर अच्छा काम हो रहा है ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सब कहते हैं, तो हो रहा है तो वो भी काम अच्छा है, मजदूरों के लिए काम अच्छा हो रहा है वो भी है। तो इन तमाम चीज़ों को तो आप उपलब्धियाँ तो रोज़ सुनते ही होंगे, हम कुछ नाकामियाँ की यहाँ पर बात करेंगे। होने को कई मुद्दे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर तीन मुद्दों की बात करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बात करूँगा तो ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। और इसके साथ ही जो कांग्रेस भक्त हैं, जिस तरह लोग कहते हैं कि मोदी भक्त हैं, उस तरीके से कांग्रेस भक्त भी हैं, अगर वो ये वीडियो स्किप ही कर दे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शायद उनको मेरी बातें अच्छी ना लगें। पहली मैं बात कर रहा हूँ रोज़गार की। रोज़गार को लेकर मैंने आज ही करीब 4 घंटे भी नहीं हुए होंगे या 5 घंटे हुए होंगे, मैंने रोज़गार को लेकर अपने चैनल पर लोगों से सवाल पूछा है, तो इसमें बहुत बड़ा आंकड़ा जो है ये कहते हैं लोग कि भूपेश सरकार नाकामयाब साबित हो रही है रोज़गार देने में। चलिए वो आंकड़ा भी मैं आपको बताता हूँ कि वो आंकड़ा कितना है। वो आंकड़ा है 73%। जी हाँ, 5 घंटे के करीब 1100 लोग वोट कर चुके हैं और 73% लोग मानते हैं कि भूपेश सरकार रोज़गार देने में नाकामयाब साबित हो रही है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप बेरोज़गारी भत्ता की बात भी उठाइए, तो हम उनसे कहते हैं कि बेरोज़गारी भत्ता को लेकर भी सरकार ने तमाम तरीके के बड़े बड़े वादे किए थे जो कि फ़िलहाल तो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि उपलब्धियों की बात तमाम लोग करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू है जो रोज़गार देने को लेकर, क्योंकि जब कांग्रेस विपक्ष में थी उस वक्त 50 लाख के करीब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बेरोज़गार थे, लेकिन आज भी वही हालात होंगे। माना कि मुश्किलें हैं, लेकिन सरकार का काम मुश्किलों से लोगों को निकालना ही है और वही काम करना चाहिए, तो उसको लेकर ज़रूर पिछड़ रही है। एक दूसरा मुद्दा मेरा शराबबंदी है, शराबबंदी पर मैं बात करूंगा। बड़े ज़ोर शोर से प्रचारित किया गया था कि शराब का को कांग्रेस सरकार बंद करेगी, कब बंद करेगी, डेट आज तक नहीं बता रहे, 5 साल की सरकार हो जाएगी तब बंद करेगी, कब बंद करेगी ये कुछ डेट नहीं बता रहे हैं आज तक, तो उसको लेकर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से विपक्ष उस पर हमला कर रहा है। माना कि राजस्व बहुत बड़ा इस पर आता है, लेकिन मुझे लगता है जो क्राइम है वो सबसे ज़्यादा इसी शराब को लेकर होते हैं। अगर आप पिछले जो भी जो बड़े जो घटनाएं हैं वो सब मिलाकर देख लेंगे तो हर अपराधी शराब के नशे में ही वारदातों को अंजाम देता है। इसमें मैं कुछ और आज के ही क्राइम के आंकड़े आपको बता देता हूं कि आज 7 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ है, आज ये 24 घंटों की ही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख लीजिए, जशपुर में एक कारोबारी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है, बिलासपुर में प्रेम प्रसंग के चलते पिता पुत्र की हत्या कर दी गई है, मुंगेली में एक दरिंदा जब दुष्कर्म करने में नाकामयाब रहा तो उसने उस नाबालिग के घर में घुसकर ही उसको आग लगा दी, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। तो ये तो क्राइम है, और क्राइम ज़्यादातर जो है शराब के नशे में ही होते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि शराब के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि वो कब बंद करेगी, कुछ आगे आके उनको बताने की ज़रूरत है इस विषय में। तीसरा मुद्दा मेरा है कि जो अपनों को मनाने में नाकामयाब हो रही है जो भूपेश सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, उसके अपने ही अब अंदर ही अंदर असंतुष्ट होने लगे हैं सरकार से और सरकार के कामकाज से।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम पिछले ही कुछ दिनों से जो टीएस सिंहदेव हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको देख रहे हैं। लगातार वो निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर, मतलब अपनी ही पार्टी पर अंदरूनी तरीके से। और अगर आप हालात देखेंगे तो ये हालात कुछ मध्य प्रदेश की तरह भी हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस पर हमलावर होते जा रहे थे और कांग्रेस आखिर तक नहीं मानी थी, तो कुछ इसी तरीके के हालात छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। अब ये बात अलग है कि इसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, कांग्रेस डिसाइड करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि जो है अब वो बढ़ती जा रही है। तो हमने ये तीन मुद्दों की बात की आपसे, कई और मुद्दे भी हैं उसको लेकर भी कभी फिर डिस्कस करेंगे। आप भी कमेंट कर बताइएगा कि भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में जो उसके जो वादे हैं उसको पूरे करने में कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये खबर पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th Eye News। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुँच सके आप तक।